नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता से पूरी तरीका से जौपड़ती से बोलते हुए नजर आते हैं अर्जुन कि प्रीता मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब 5 दिन बचे हैं शादी के लिए और मुझे इन 5 दिन में तुमसे शादी करनी ही है, तुम तैयारी करो या मत करो लेकिन मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से अर्जुन ने अपने मन में बहुत बड़ा प्लान बनाया है शादी के लिए। हालांकि ऋषभ को लग रहा है कि ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा, लेकिन ऋषभ की नहीं चल रही यहाँ पे अर्जुन टोटल अपने माइंड बहुत अलग तरीका से सेट किए हुए हैं, क्योंकि अर्जुन जानता है कि इस शादी करने के लिए मुझे क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना है। वहीं अंजलि से बोलता हुआ भी नजर आ रहा है अर्जुन कि अंजलि तुम ये तैयारी करो क्योंकि हमें किसी भी सूरत में उनके ऊपर जीत हासिल करनी है लूतराज के खिलाफ। वहीं पे अंजलि की बात की जाए तो अंजलि कभी भी ना नहीं कर सकती अर्जुन से कि अर्जुन ये नहीं करना, बल्कि अंजलि साथ ही दे सकती हैं। और अंजलि ने पहले भी बोला था अर्जुन से कि अर्जुन जहाँ तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ तुम्हारा पूरी तरीक़ा से दिल खोल के साथ दूंगी। और वाकई में दोस्तों अंजलि ने बहुत ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर दिल खोलकर वाकई में अर्जुन का साथ भी दिया है। वहीं बात की जाए लूतराज की तो लूतराज में से फिलहाल बोल चुका है ऋषभ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं कभी भी अर्जुन के सामने नहीं हारूंगा, क्योंकि अब असली जंग मेरी और अर्जुन की है, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। क्योंकि ऋषभ भी इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, जब से उसकी कंपनी का मैटर हुआ है, उसकी फैक्ट्री में दवाई पकड़वाई है इधर अर्जुन ने, क्योंकि ऋषभ की फैक्ट्री में दवाई पकड़ने के बाद में अर्जुन से बहुत ज़्यादा नफरत भी कर रहा है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में ही मुकाबला हो चुका है कि आखिरकार ये कहानी कहाँ पर जाकर समाप्त होती है। साथी दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।